मेरी यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देखता था। मैं भी दिल ही दिल में उन्हें चाहने लगी थी। फिर एक दिन मैंने उनके नंबर पर मैसेज कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की। आहिस्ता आहिस्ता हमारी रोज़ फ़ोन पर बातें होने लगी। यूनिवर्सिटी में भी हम अक्सर शाम में बैठकर गपशप किया करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने ट्यूशन सेंटर इनवाइट किया। मैं यूनिवर्सिटी के बाद वहाँ चली गई। वहाँ उन्होंने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मैं खुशी से इतनी पागल हो गई कि मुझे होश ही नहीं रहा और मैंने उनके साथ हर जिस्मानी हद पार कर दी। फिर मैं हर रोज़ यूनिवर्सिटी के बाद उनके ट्यूशन सेंटर चली जाती थी और हम एक दूसरे से अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करते थे। और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब प्रेग्नेंट हो गई। तब मैंने उन्हें कहा कि चले शादी कर लेते हैं, मगर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उनकी बहुत मिन्नतें की किस हाल में मेरा साथ मत छोड़े, मगर उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दी और मुझे ब्लॉक कर दिया। वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे अबॉर्शन करवाना पड़ा। मैं तकलीफ की वजह से 2 हफ्तों तक यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी। और जब मैं दोबारा यूनिवर्सिटी गई तो मुझे पता चला कि उस टीचर को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। और वजह ये थी कि उनके यूनिवर्सिटी की बहुत सारी लड़कियों के साथ जिस्मानी ताल्लुक साबित हो चुके थे। और ये भी पता चला कि वो लड़कियों को ऐसी मेडिसिन खिलाया करता था कि लड़कियां अपने होशोहवास खोकर जिस्मानी ताल्लुक के लिए तैयार हो जाएं। तब मुझे समझ आई कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मुझे बहुत अफसोस और बहुत दुख हुआ कि वो शख्स इतना घटिया निकला। आज मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुकी हूँ। मुझ जैसी हजारों ना समझ लड़कियाँ आजकल चंद घटिया टीचर्स का शिकार बन जाती हैं और अब तक बनी हुई है। मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि बराए मेहरबानी माशरे के ऐसे जानवरों की बातों में कभी मत आना। ऐसे टीचर्स को पता होता है कि कौन सी लड़की को उन्होंने अपने जाल में फंसाना होता है, क्योंकि वो हमें हमसे ज्यादा जानते होते हैं। वो सबसे मासूम लड़की को ही अपनी जाल में फंसाया करते हैं। मेरी दुआ है कि इस माशरे की हर लड़की इन इंसानी हवान जैसे दरिंदों की बुरी नजरों से महफूज रहे। आमीन।